आइए फ्रेंड्स, जो आप लोग फेंक देते हैं तो आज भगवान के कपड़ों से इतनी अच्छी DIY बना करके तैयार करूंगी। और ये जो जंगल आप देख रहे हैं, जंगल का इतना लुक अच्छा हो जाएगा। ये मात्र एक डंडी से मैंने बिल्कुल जंगल का रूप दे दिया अपने टेरिस पर। और ये क्रासुला फैमिली से बिलोंग करता है जेट प्लांट्स की कई एक वैरायटियां आने लगी हैं और आती भी हैं, पहले भी आती थी, लेकिन अब फ्रेंड्स ये बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी आने लगी, जिसमें कि ये पौधा बहुत हार्ड पौधा होता है, लो मेंटेनेंस, कोई केयर नहीं। तो आइए फ्रेंड्स जुड़िए, सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब परिवार को, माँ क्रिएटिव किचन गार्डन में। तो आइए फ्रेंड्स जुड़िए, कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए चलिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हों तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन में घंटी को जाकर के प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई सी वीडियो मैं अपलोड करूं तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आता रहे। ये जो जंगल देख रहे हैं फ्रेंड्स, कुछ तो मैं रात में बना करके तैयार करती हूँ, कुछ मैं दिन में बनाती हूँ, जो दिन में बना पाती हूँ वो मैं आप लोगों तक शेयर करती हूँ। अब ये फ्रेंड्स देखिए भगवान के कपड़े, ये भगवान के कपड़े हैं जो अपन लोग नवरात्र वगैरह में या तीज त्यौहार में पहनाते हैं भगवान के कपड़े, तो इनको फेंकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और ये जो मैंने तरह तरह की DIY का कलेक्शन तैयार किया है, तो ये कलेक्शन तैयार करने के लिए अब ये फ्रेंड्स देखिए थोड़ा ऊंचा लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं ऊपर को बनाने जा रही थी तो मेरे को समझ में नहीं आया, तो अभी मैं बाल्टी को हटा दे रही हूँ। मतलब जब तक कंफर्ट ना हो जाए किसी चीज़ में तब तक इसको तैयार ना करें। अभी देख रहे हैं बिल्कुल मैं समय समय से इसको शिवलिंग का रूप दिया, तब मैं यहाँ तक लेकर के आई। और अब देखिए, क्योंकि मैंने फ्रेंड्स जेट प्लांट्स की प्लेलिस्ट बना रखा है, और ये जेट प्लांट की प्लेलिस्ट में आप जाके देखिए, मैं तरह तरह की DIY लेकर के आती रहती हूँ। और ये देखिए रोल शेप में मैं ऐसे भगवान के कपड़ों को दे रही हूँ, क्योंकि अगर हम रोड पर गंदगी फैलाएंगे ना, तो हमारी ही एटमॉस्फेयर हम ही को गंदगी, मतलब जो है हमें, अगर हम सोचते हैं कि घर से बाहर किसी के दरवाजे फेंक दें या रोड पर फेंक दें, तो ये गलती बिल्कुल ना करें अपना, या तो डिकम्पोस्टिंग में कर लें कम मिट्टी में। तो मैं तरह तरह की ऐसी DIY कलेक्शन बताती रहती हूँ, करती रहती हूँ फ्रेंड्स। तो ये देखिए, ये भगवान के कपड़े का मैंने बॉल शेप बना के तैयार कर दिया। ये बॉल शेप जो है अब कैसे मैं रखती हूँ जाके, क्योंकि मैंने सोचा ना कि पास से मैं ला करके दिखा दूँ। अब ये देख रहे हैं कि ऐसे मैं इसको इस तरह से दबाते हुए एक हाथ से हथेली में दबाती जा रही, और एक हाथ से बहुत साधारण है बनाना, और एक हाथ से इस तरह से घुमा करके ऐसे दबाती जा रही हूँ, क्योंकि हाथ से उंगली, एक हाथ से दबाना होगा और एक हाथ से करना होगा, क्योंकि अकेले ही करना होता फ्रेंड्स। ये देखिए कैसे मैं दबा रही हूँ, और इनकी जो टहनियाँ थी ना नीचे ऊपर, मैं इसीलिए डी शेप में हो रहा था तो मैंने कहा होने दीजिए, क्योंकि दिमाग में कोई ना कोई चीज़ चलती रहती कि अब मुझे कौन सा शेप देना होगा, अब क्या करना होगा, तो इसीलिए मैंने इसमें बना करके ऐसे इसको छोड़ रखा था। अब ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने ऐसे तैयार किया। तैयार करने के बाद में अभी आप देखिए चारों तरफ से मैंने इसको कर लिया। अब ये थ्रेड है, धागा जो अपन लोग कपड़े सिलते हैं वही धागा है, पतला वाला, और हल्के हाथों से करिएगा, क्योंकि बड़ा नाजुक पौधा होता है ये। जब स्टार्टिंग में ये होगा ना फ्रेंड्स, तो स्टार्टिंग में क्या होता कि जैसे थोड़ा टूटने का भी डर रहता है, तो पहले हल्के हाथों से इसको बांध लीजिए इस तरह से घुमाते हुए हाथ को, या फिर गमले को ही घुमाते जाइए। ये देख रहे कि कैसे नीचे छूट भी जा रही, तो उनको बनाना दिखाना भी है। और ये फ्रेंड्स आप सोचते होंगे कि इतना बड़ा ये शिवलिंग बनकर के तैयार हो गया, मैंने ढेरों DIY बनाई है, अब आप देखिए। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ज़रूर कमेंट्स करिएगा, जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं तब सच में बताऊं कि बहुत अच्छा लगता है। और जब बाहर आउट ऑफ कंट्री का भी वीडियो आते हैं, देखते हैं लोग बाग, फिर वो लोग मैसेज करते हैं आउट ऑफ कंट्री का, तो और भी अच्छा लगता है। तो ये लगता है कि फ्रेंड्स नहीं, और भी अपने YouTube परिवार के साथ में ये चीज़ करनी चाहिए। चाहे आप फ्लैट में रहें तो आप रेलिंग में रख सकते हैं, क्योंकि ये इंडोर प्लांट नहीं, कहने को लोग कह देंगे कि इंडोर प्लांट है, लेकिन बिल्कुल इंडोर प्लांट नहीं, इसको 3 से 4 घंटे धूप मिलनी चाहिए।
जेट प्लांट को इस तरह से ऐसे घुमा घुमा करके, पहले हाथ ऐसे लगा करके रखा, फिर थोड़ा थोड़ा क्या किया मैंने, अब इसको घुमाती हुई चल रही हूँ ऐसे। अब गमले को घुमाते जाइए, क्योंकि ये जो बॉल मैंने कपड़े के भगवान के कपड़े से बनाया ना फ्रेंड्स, तो अब ये गिरेगी नहीं, ये बिल्कुल नहीं गिरेगी। और देख रहे हैं कि कोई ज़्यादा बड़ा गमला नहीं है, पॉट जो है कोई ज़्यादा बड़ा पॉट नहीं, लेकिन मैंने शिवलिंग कितना बड़ा तैयार कर लिया। और हाँ फ्रेंड्स, किसी का मेरा वीडियो मतलब सॉरी कमेंट्स आया था, तो कहा था कि आप जो है कौन सी फर्टिलाइज़र डालती हूँ, तो अब मैं फर्टिलाइज़र डालने वाली हूँ, तो मैं दिखाऊँगी कि कौन सी मैं फर्टिलाइज़र डालती हूँ। अब दीपावली के बाद ही फर्टिलाइज़र डालूँगी। देखा फ्रेंड्स कि लुढ़का, लेकिन मेरी बॉल नहीं ऊपर से निकली, क्योंकि मैंने पहले उसको बांध दिया था। अगर मैं नीचे से पहले बांधती हुई चलती ना पौधों को, तो ये पता नहीं चलता ना टहनियाँ किस तरफ जा रही हैं, तो इनको कहीं नीचे की तरफ ले जाना है, क्योंकि ढकना भी है चारों तरफ से, और कभी ऊपर की तरफ टहनियों को ले जाना है, तो ऐसे टहनियों को ले जाते हुए करेंगे। आप देखिए, कोई कोई टहनी मैं लता को नीचे की तरफ मोड़ती हूँ, और कोई कोई टहनी ऊपर को ले जाती हूँ, क्योंकि ढकना भी है चारों तरफ से। अब जहाँ समय देखती हूँ कि कहाँ मोड़ना है, किस तरह करना है, ये तो मैंने थोड़ा वीडियो फास्ट कर दिया था। अगर वीडियो में फास्ट नहीं करती तो थोड़ा लॉन्ग हो जाता। और क्या होता ना फ्रेंड्स, कि जब मैं कट कट करके कोई वीडियो डालूँ, तो उतना समझ में नहीं आता है। जो नए बिगनर हैं वो नहीं जानते कि कैसे क्या होगा, तो इसीलिए मैंने थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया और फास्ट वीडियो कर दिया, तो कम से कम समझ में तो आने लगा कि मैंने कैसा बनाया है। अब ये देख रहे फ्रेंड्स, कभी नीचे ले जाती हूँ, कभी ऊपर ले जाती हूँ। अब ये जो है आप टहनी देख रहे होंगे, तो एक टहनी को लता जो इधर से उधर गई हुई है, पहले मैंने सोचा कि कुछ और इसका DIY बना कर किस तरह ले जाऊँगी उस साइड में ले जा करके, लेकिन मैंने सोचा बाद में नहीं, ये अब शिवलिंग जो मैंने बनाया तो शिवलिंग ही रखूं। ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा बन करके तैयार हुआ है। तो ये एक डंडी अगर आप किसी फ्रेंड्स के यहाँ गए, या किसी नर्सरी से ही पौधे जो आपकी मतलब एक ही कंटिन्यू नर्सरी से लेकर के आते हैं, तो वहाँ से भी डंडी मांग करके ला सकते हैं। और ये अपने आप में बहुत शुभ पौधा होता है, बहुत ही ज़्यादा शुभ पौधा होता है। अब इसमें कम से कम आप अगर सर्दियों में 15 दिन भी पानी नहीं डालेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पौधे में इतना, क्योंकि ये पौधा अपना जो है ना लीव्स में पानी को थोड़ा थिक, ये पत्तियाँ होती हैं इसकी मोटी, तो ये अपने लीव्स में पानी को होल्ड करके रखती हैं, तो इसलिए जब पानी होल्ड करके रखती हैं, जब इनको ज़रूरत पड़ती है कि जड़ों में पानी जाना चाहिए, तो ये अपना एक्वायरमेंट पत्तियों से पूरा करते रहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा। अब मैंने दो तो मैंने शिवलिंग बनाए हैं, और एक मैंने बॉल शेप दिया है, और ये जो मैंने बिल्कुल जो साइड में आप रखा देख रहे होंगे रेड कलर का, ये मैंने एरोप्लेन बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि एरोप्लेन कैसे बन करके तैयार होगा। तो ये फ्रेंड्स मैंने रात में इसकी DIY बना के तैयार किया था, लेकिन कोई नहीं, अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे तो मैं खोल करके फिर एरोप्लेन का डिज़ाइन मैं बना करके तैयार कर दूंगी। तो आप कहेंगे कि जेट प्लांट से एरोप्लेन की डिज़ाइन कैसे बनेगी, हाँ फ्रेंड्स ये जो है ब्लड इसकी जेट प्लांट से भी एरोप्लेन की डिज़ाइन बन करके तैयार होती। अब ये जो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना आपको, तो इनको इसके पिंच कर दीजिए, ऐसे थोड़ी थोड़ी पत्तियों को काट देंगे, तो ये ऐसे जब काटेंगे ना तो यहाँ से फिर घना और बूसी हो जाएगा। ये जेट प्लांट्स में बस एक ही खासियत होती है, ये सोचते हैं कि हमें कोई नुकसान दे रहा है, तो ये अपने वहीं से ये जड़ बना करके तैयार कर लेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये बॉल शेप में मैंने एक बना के जो काले पॉट में रखा, ये भी भगवान के कपड़े से बॉल शेप में मैंने बनाया था, और जो है ये दो शिवलिंग बना करके तैयार किए हैं। तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो मेरा कैसा लगा, और आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। और हाँ फ्रेंड्स, प्लीज़ जाते जाते सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर किसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं अगर आप, तो वहाँ पर भी किसी ग्रुप में भी भेजिएगा, ताकि कोई से अगर गार्डनिंग करने का शौक़ रखते हैं तो 0 बजट से गार्डनिंग करेंगे, तो फ्रेंड्स एक अपना
इस महंगाई में अपनी बचत भी रहती है और ऐसे गार्डनिंग भी कर ले हो जाती है, नेचर से जुड़ कर के भी बने रहते हैं, मन को शांति भी मिलती है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और सभी लोग अपना अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग। आप बताइए आप।